है ना गवर्नमेंट अगर वो आप कहते हैं ना ये धक्का दे रहे हैं अपोजिशन वाले तो भी इतनी आसानी से धक्का नहीं होगा धक्के का जो अगर टाइम आएगा ना वो नेक्स्ट ईयर आएगा ठीक है नेक्स्ट ईयर के बल्कि एंड में ओके okay. वो बड़ा क्रूशल पीरियड होगा इनके लिए ठीक अच्छा. है अच्छा मैंने चैनल पर भी कहा था एट्स फेब्ररी को किसी पे कि ये मियाँ साहब के लिए अच्छा टाइम हो रहा शुरू तो देखें वो बाहर आ गए शबाजशीफ साहब बाहर चले गए मियाँ साहब खुद बाहर आ गए मगर अभी मियाँ साहब टेम्प्रेरी हैं एक फेज़ आएगा अभी ये मई से लेकर जून मिट तक उसमें ये दोबारा शायद वापस जाना हो और फिर दोबारा एक डेढ़ महीने बाद वापसी हो जाएगी बाहर ठीक है ना और उसके बाद शायद मुल्क से बाहर जाएंगे okay. नंबर एक चीज़ ठीक है अच्छा अभी ये एक ऐसा नज़र आ रहा है इनका मियाँ साहब जैसे अभी भी जैसे कोई इलाज के लिए या उम्र की अदायगी के लिए ऐसे जाते हैं वो चले जाएंगे अच्छा अब आ जाए आप अपोजिशन दूसरी वाली पीपल पार्टी वाली इनके लिए अभी बहुत कड़ा वक्त है ख़ास तौर से 24 अप्रैल तक ट्वेंटी अप्रैल तक ठीक है ना बहुत है अच्छा ये नहीं कि उसके बाद अच्छा पीरियड है नहीं उसके बाद भी मजीद खराब है चाहे वो बिलावल के लिए लिए, आप के लिए मैं तो ये भी कहूंगा कि बिलावल को भी ऐसे प्लेस में ऐसे नहीं जाना चाहिए जैसे ट्रेन मार्च में चले गए सिक्योरिटी को बहुत इस वक्त उनको खदशा नंबर एक अच्छा ये बता सकते हैं आप सॉरी बात काट रहा हूँ जो बता देते हैं उन्होंने इस तरह के बंदे बिलीव करते हैं ठीक है ना अच्छा बिलीव करते हैं जब भी तो बचे हुए और रेड कार्पेट भी मिला था और oh, yes. हमारे यहाँ कुछ <laughs> बिलीव ही नहीं करते अब जैसे हमारी गवर्नमेंट में ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ मैं पहले दिन hmm. से कह रहा हूँ गलत दिन पे ले लिया ओथ oh. टेकिंग सेरेमनी जो थी वो गलत थी ठीक है ना तो जब आप गलत दिन पर कोई ऐसा को स्टेप ले लेते ना तो आपको बहुत फिर स्ट्रगलिंग आपकी डबल से क्या हंड्रेड टाइम्स बढ़ जाती है जो काम आपका आसान होता है आप अक्सर मिसाल नहीं लेते लोगों की यार एक छोटा सा काम था वो कराने गए थे वो पूरा दिन लग गया तो ऐसे ही यहाँ पर ये हुआ है गलत टाइम पे लेने से अब देखें ना क्यों इतना ये आजकल एक वावेला मचा हुआ वा है वो इसी वजह से मचा हुआ है